नमस्कार, स्वागत है सभी का समाचार कैरी में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। आज मैं पहुंचा हूं पंचकुला के सेक्टर 5 में, जहां धरना अमूमन यहां पर धरना चलता रहता है। और आज हम पहुंचे हैं वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का जो धरना चल रहा है। हमारे साथ अनूप डिलोजी भी हैं जो एसोसिएशन के प्रधान है। क्या कहेंगे सर, कितने दिन से आपका धरना चल रहा है और क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? आज हमारे आंदोलन का 25वां दिन है और ये आंदोलन 25 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 25, 26 और 27 अक्टूबर को हमने 3 दिन का महा आंदोलन किया था। उसके बाद लगातार ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार और विभाग कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। हर रोज़ यहाँ 2 दिन आते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं और अपनी 3 मांगों को लेकर के हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहला तो हम शिक्षा विभाग में मर्द होने की हमारी मांग है, दूसरी समान काम समान वेतन की है, और तीसरी है जो सभी वोकेशनल टीचर्स के लिए जो सर्विस रूल बनाए गए हैं वो सर्विस रूल लागू किए जाए और 58 साल तक जॉब स्कोप दिए जाए। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और अब 24, 25 और 26 नवंबर को फिर से 3 दिन का वोकेशनल टीचर एसोसिएशन महा आंदोलन करेगी और फिर एक बार फिर सीएम आवास की तरफ अपना कूच करेगी और रोस मार्च निकाल लेगी। जब तक सीएम साहब खुद इन तीनों मांगों पर सहमति नहीं देते, ऐलान नहीं करते, तब तक वोकेशनल टीचर ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। आपने बताया कि 25 अक्टूबर से आपका धरना चल रहा है, किसी भी विभाग के तरफ से किसी अधिकारी ने आपको कोई आश्वासन दिया या किस तरीके की कोई बात हुई हो? हमारी डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, किसी भी मांग पर नहीं मिला, सिर्फ बातचीत हुई है। और आगे की मीटिंग के लिए भी कोई हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि आगे आपकी मीटिंग कब होगी। तो अभी हम अपना आंदोलन और तेज कर रहे हैं। कल भी हमने वहाँ जो शिक्षा विभाग का जो जमीर मर चुका है कि 25 दिन बीत जाने के बाद भी वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और ये सरकार कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ हम आज पुतला दहन करेंगे। कल हमने उस जमीर की शव यात्रा निकाली है और आज उसी का फिर पुतला दहन करने हम जा रहे हैं। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे रोष प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन में हम खड़े आंदोलनकारियों का कहना है कि विभाग की तरफ से कोई भी ठोस जो है आश्वासन नहीं दिया गया है। इनकी 3 मुख्य मांगे हैं, समान काम समान वेतन और लागू किया जाए। उनका कहना है कि सभी वोकेशनल टीचर्स को विभाग में मर्ज किया जाए। हमारे साथ कुछ टीचर्स भी, उनसे भी बात करेंगे। जी मैम नमस्कार। जी क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और कब से आपका आंदोलन? हमारी 3 मुख्य मांगे हैं जी। पहली मांग हमारी है विभाग में मर्ज होने की और दूसरी मांग है हमारे समान काम समान वेतन की और इसके बाद हमारी तीसरी मांग है बाय लॉ सर्विस के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स को फॉलो करके हमें मर्ज करने की। तो हम इन 3 मांगों के लिए यहाँ पर आज 25 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए हैं और हम अपने 3 मांगों के लिए ही बैठे हैं और इसे पूरा कर कर ही उठेंगे। और हमारा प्रत्येक दिन एक रोष प्रदर्शन होता है, आज हमारा पुतला फूकने का रोष प्रदर्शन है और इसे हम करेंगे। शिक्षा विभाग को अपना रोष दिखाएंगे कि भी हम कितने उनकी इस बातों से हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि भी हम रोज़ हम इस 1-3 मांगों के लिए ही आ रहे हैं और शिक्षा विभाग हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और आज हमारा आप पुतला देख रहे होंगे, इसके ऊपर देखिए काली पट्टी बंधी हुई है जो हमारी ये बताना चाहती है कि शिक्षा विभाग बिल्कुल अंधा हो चुका है, वो किसी भी प्रकार से हमारी बात को किसी के आगे मतलब हमारी मांगें पूरी नहीं कर रहा है। तो आज हमारा ये रोष प्रदर्शन है पुतला फूकने का जो हम करेंगे। जी मैम, 25 अक्टूबर से आपका धरना चल रहा है, तो आगे की आपकी क्या रणनीति है? हम आज पुतला दहन करेंगे। हमने कल सब निकाला था शिक्षा सदन का, शिक्षा सदन बिल्कुल इतना अंधा हो चुका है कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा कि इतने सारे टीचर्स परेशान हो रहे हैं, इनकी ये बच्चों को भी छोड़ के आते हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। तो उनको हमारी ये 3 मांगे जायज है और मांग लेनी चाहिए। जी जी, क्या कहेंगे मैम अपने इस आंदोलन को लेकर? सर देखो, टीचर्स जो होता है वो हमारे समाज का एक निर्माता होता है, वही जो है आगे फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देता है। लेकिन हमारा ही फ्यूचर एक जीरो दिख रहा है, हमारा ही फ्यूचर हमें आगे कोई रोशनी नहीं दिख रही। और इतनी ज़्यादा एक वही मैडम ने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट जैसे एक स्पेशल कोर्स को हम करवा रहे हैं जिससे बच्चों को हम रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन हमारा ही रोज़गार हमारे हाथों में नहीं है। तो हमारे पास तो इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं है, हम क्या कहें, जो है वो सब कुछ अब लोगों के सामने ही है। इस सरकार की ओर से आश्वासन नहीं मिलता है तो आंदोलन की गति को और तेज बढ़ा दिया जाएगा। कुछ और टीचर से बात करेंगे इसमें। बिल्कुल सर, हम लोग काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारे आंदोलन का 25वां दिन है। बहुत प्रयत्न किए हैं सोयू सरकार को जगाने का, हर संभव प्रयास जो हम कर चुके हैं, कर सकते थे हमने किया है। अभी भी हमें उम्मीद है कि किसी न किसी तरीके से हमारी जो बिल्कुल जायज मांगे हैं वो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि अब इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहिए और ये जो टीचर्स हैं इनको हैप्पीली इनकी सारी मांगों को पूरा किया जाए। अभी हमें उम्मीद है
अगर हमारी इन उम्मीदों पर किसी भी तरह का हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 24-25-26 को हम एक महाआंदोलन करेंगे। उस महाआंदोलन में हम अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमारा जो शक्ति प्रदर्शन है बिल्कुल शांतपूर्ण ढंग से होगा, किसी तरह का वॉयलेंस इनडिसिप्लिन नहीं होगा। ये हम अपनी तरफ से, आप मीडिया की तरफ से सरकार को आश्वस्त करना चाहते हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो हम लोग पूरे जोश और होश के साथ इस महाआंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। थैंक यू जी। मुख्यमंत्री आवास को घेरने की बात की गई थी, 24-25 और 26 को आंदोलन की गति को बढ़ा दिया जाएगा। डायरेक्टर आपने बताया था कि डायरेक्टर से आपने शिक्षा विभाग के डायरेक्टर से बातचीत की थी, तो आगे क्या आपकी और क्या डिमांड है? डायरेक्टर ने आश्वासन नहीं दिया तो आपकी कहाँ आप क्या चर्चा करेंगे? सर कुछ आश्वासन तो दिए हैं लेकिन पूर्ण आश्वासन नहीं दिया है। हम किसी भी तरह की झूठी उम्मीद के साथ यहाँ से उठना नहीं चाहते हैं जब तक हमारे प्रधान सर, हमारी जो कमेटी है, वो लोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा, जब तक रिटर्न लेटर नहीं मिलता है हम लोग इसको किसी भी हाल में यहाँ से इस आंदोलन को पैकअप नहीं करने वाले। आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज हरियाणा जैसे प्रदेश में इस तरीके की जो माहौल बन रहा है और लोगों को आज भी प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, तो इस सरकार को और विभाग को अलर्ट करने के साथ साथ उनको जिम्मेदारी और इनको आश्वासन देने के लिए उनको बताना चाहिए ताकि इस तरीके की आगे भी कोई माहौल ना बने और आंदोलन करने का कोई उचित न रहे। धन्यवाद। समाचार के लिए हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।